सबसे पहले आप बोलिए पुष्कर जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। ऐसा है, आप लोग बोलते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो जी। हमारे यहाँ पुष्कर का ना कोई मंदिर है ना कोई मूर्ति है। पुष्कर इस जल सरोवर का नाम है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती भागीरथी गोदावरी। एक बार भगवान ब्रह्मा विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे विष्णु, मेरा मृत्यु लोक में ना कोई मंदिर है ना कोई मूर्ति है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को एक कमल का पुष्प देते हैं और बोलते हैं कि जाओ, जहाँ कहीं भी आप ये कमल का पुष्प गिराओगे वहीं पे आपका पृथ्वी पे स्थान होगा। भगवान ब्रह्मा वो पुष्प ब्रह्मांड से फेंकते हैं, वो पुष्प पृथ्वी का 7 चक्कर लगाकर यहाँ सरोवर के बीच में जो ये मंदिर बना है यहाँ बीचों बीच आके गिरता है और यहाँ पर 7 पाताल फटके पानी आता है और इसलिए इस जगह का नाम हो जाता है पुष्कर। पुष्कर नाम कैसे हुआ? संस्कृत में पुष्प को कहा जाता है फूल और कर कहा जाता है हाथ को, दोनों को संधि किया इसलिए इस जगह का नाम हो गया पुष्कर। अब अपने हिंदुओं में अपन लोग कोई नया घर बनवाते हैं, नई शॉप बनवाते हैं, तो उसमें अपन लोगों को हवन करवाना बहुत जरूरी होता है। उसमें भी 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला होता है शुभ मुहूर्त और दूसरा होता है पत्नी। ये 2 चीज होता है जब जाकर किसी यज्ञ का कुछ महत्व होता है। ब्रह्मा जी महाराज अपने सभी 33 करोड़ देवताओं को यहाँ पर आने का निमंत्रण देते हैं। ब्रह्मा जी सभी 33 करोड़ देव देवता यहाँ पर पधारते हैं। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। भगवान ब्रह्मा नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, घर जाकर अपनी सावित्री माता को बुला के लेके आओ, यज्ञ में बहुत देरी हो रहा है। नारद जी आधे रास्ते तक जाते हैं और उनको मन में एक विचार आता है कि मैं सभी देवताओं में दानवों में लड़ाई झगड़ा कराता हूँ, अगर आज मैंने मेरे माता पिता में झगड़ा नहीं करवाया तो कौन मुझको नारद जी कौन कहेगा। नारद जी आधे रास्ते से वापस आते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं पिताजी माताजी 16 श्रृंगार करने में व्यस्त है एवं वह अपनी सहेलियों के साथ पधारेगी तो उनको आने में अधिक समय लग जाएगा। अब यहाँ जो ब्राह्मण लोग रहते हैं वो ब्रह्मा जी से कहते हैं हे जगत पिता, यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्द से जल्द कुछ कीजिए। अब ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल हैं साहब, पहले तो है इंद्र भगवान जिनका काम है बारिश करना और दूसरे हैं धनपति कुबेर जिनका काम है धन लक्ष्मी वैभव प्राप्ति का। ब्रह्मा जी इंद्र भगवान को बोलते हैं पृथ्वी पे जाओ, जो कोई भी कुंवारी कन्या आपको मिलती है उस कन्या को मेरे पास लेके आओ। इंद्र भगवान पुष्कर से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है हमारे यहाँ पे नंदगांव, जो गाय भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं उनका एक छोटा सा लड़की उनको मिलता है, वो लड़की को साथ में लेते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी लड़की को देखने के बाद में तंत्र मंत्र विद्या से लड़की को गाय का चारा बना देते हैं। अब देवताओं की गाय होती है साहब कामधेनु गाय, वो गाय आती है चारे को मुख से खाकर स्टमक के द्वारा 3 बार बाहर निकालते हैं, बाद में वो हो जाती है शुद्ध और उनका नाम हो जाता है गायत्री। गायत्री नाम कैसे हुआ? गाय का मतलब हुआ गौ और स्त्री, दोनों को संधि किया इसलिए उनका नाम हो गया गायत्री। अपन अपने हिंदू धर्म में संसार का जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है वो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यधि महि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा ही गायत्री माता का यहाँ पे उत्पत्ति हुआ है। जैसे ही भगवान ब्रह्मा का दूसरा पत्नी का यज्ञ होने जाता है, थोड़ी देर बाद में ब्रह्मा जी की पहली पत्नी आती है और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी से कहती है कि हे जगत पिता, आपने मेरे होते हुए दूसरा शादी किया और आपने स्त्री जाति का अपमान किया, जाओ मैं तुम्हारे को श्राप देती हूँ कि आपका पूरे संसार में एकमात्र मंदिर होगा। इसलिए पूरे संसार में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है और जो साधु संन्यासी होता है वो मंदिर का पूजा अर्चना करता है और परिवार वाला जो भी आता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चर्च क्रिश्चियन वो सरोवर का पूजा अर्चना करता है। यात्री लोग हमारे यहाँ पे 3 काम से पधारते हैं। पहला काम, किसी के घर में किसी का डेथ हो जाता है, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची, तो 7 जनरेशन का यहाँ पर पिंडदान होता है। क्यों होता है? क्योंकि राजा रामचंद्र भी यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने अपने यहाँ पर आकर बालू मिट्टी से अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। दूसरा काम होता है अपने जो घर के पूर्वज होते हैं अपने से आज करते हैं बेटा पोता किसी तीर्थ पे जाएगा, उन लोगों को जलदान देगा और उन लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा। तीसरा काम होता है राजी खुशी घूमने फिरने आना, जो भी आता है यहीं से सुबह सवेरे में 20 रुपये का प्रसाद का थाली आता है, नीचे बैठकर पंडित जी के द्वारा नाम गोत्र से चढ़ाया जाता है। जो भी आता है हमारे धर्म में राजा रंग अमीर गरीब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी आता है सरोवर का पूजन करता है, मनोकामना मांगता है और अपना यात्रा सफल करता है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है गंगा जाओ गोमती जाओ सब तीर्थ करियाओ, एक धाम पुष्कर नहीं आओ,
नर मुक्ति नहीं पाओ। इसका मतलब है कोई व्यक्ति चार धाम का यात्रा करता है तो उसको पुष्कर आना जरूरी है, जब जाकर उसका चार धाम का यात्रा सफल होता है। और कोई व्यक्ति पहले आता है, सरोवर का पूजन करता है, मनोकामना मांगता है, उसमें आपका चार धाम का यात्रा हो जाता है। यह सरोवर के चारों तरफ बनाए गए राजा महाराजाओं के द्वारा 52 घाट है। जयपुर के राजा जी थे, सरोवर पे आए, मनोकामना मांगा, पूरा हुआ, उन्होंने बना दिया जयपुर घाट। नगर में हमारे यहाँ पर 1000 मंदिर है। जो भी यात्री लोग आता है, सरोवर का पूजन करता है, मनोकामना मांगता है और अपना यात्रा सफल करता है। बोलिए पुष्कर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आज तक हमने जो नहीं सुनी थी पुष्कर के बारे में, वे चीजें आपने बताई। तो दोस्तों, जो भी पुष्कर प्रेमी है, पुष्कर को जो प्यार करते हैं, पुष्कर धाम को, भाई ने पूरी कहानी बता दी है, कुछ भी बाकी नहीं है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। जय हो पुष्कर धाम। जय पुष्कर। आज की चिंता छोड़ो आज की। बिल्कुल।